इग्नू से आप अपने डिप्लोमा डिग्री और पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑनलाइन मंगा सकते हैं। आइए देखें कैसे मंगाया जाए। यह देखिए वेबसाइट है onlineservices.ignu.ac.in। इस वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लॉगिन एडमिन पैनल। यहाँ देखिए इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है 20th to 35th कॉन्वोकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी वेयर हेल्ड एज पर द फॉलोइंग डिटेल। अब इसमें किन किन को लिखा गया है, 20 से 32वां कॉन्वोकेशन जिनका होना था अर्थात दिसंबर 2007 से जून 2018 तक का, जिन्होंने सर्टिफिकेट नहीं लिया एक उनके लिए। दूसरा है 23वां कॉन्वोकेशन 17/2/2020 को हुआ था, इसमें दिसंबर 2018 से जून 2019 के जो लोग थे उनके लिए प्रमाण पत्र जारी किया गया था। 34वां हुआ था वर्चुअल मोड में 15/4/2021 को दिसंबर 2019 से जून 2020 तक के स्टूडेंट्स के लिए। और 35वां 26/4/2022 को हुआ था, इसमें दिसंबर 2022 से जून 2021 तक के जो भी स्टूडेंट रहे हैं उनके लिए था। अब अगर आप लोग इस कन्वोकेशन में अपना प्रमाण पत्र नहीं ले पाए हैं तो आपको यह वेबसाइट खोलना है। वेबसाइट खोलने के बाद देखिए इसमें लिखा हुआ है कि मास्टर्स डिग्री, बैचलर्स डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड डिप्लोमा प्रोग्राम, ये रीजनल सेंटर भेजा गया है। सर्टिफिकेट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट प्रोग्राम आर अवेलेबल, मतलब कुछ हेडक्वार्टर में कुछ रीजनल सेंटर में है। फिर भी इन्होंने कहा है कि जो लोग नहीं कर चुके हैं वो इस माध्यम से मंगा सकते हैं, और जिन लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर किया उनको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कैसे कैसे करना है। आपको करना क्या है कि नीचे जाना है, देखिए पीजी सर्टिफिकेट के लिए 200 रुपये, सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए 200 रुपये, और इसी तरह से अगर आप आगे की चीज़ें देख लीजिएगा इसमें पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ आप पहले नीचे जाएंगे, देखिए यहाँ डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ आई एग्री एंड प्रोसीड करेंगे। आई एग्री एंड जब प्रोसीड करेंगे तो यहाँ, अब जब आप आई एग्री एंड प्रोसीड कर देते हैं तो यहाँ देखिए नीचे फिर एक विकल्प आता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है अप्लाई फॉर डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट और व्यू डिस्पैच स्टेटस। आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई फॉर डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए विकल्प में आता है, इसको घुमा देते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है एनरोलमेंट नंबर जो आपका है, रजिस्टर्ड स्टूडेंट अगर हैं तो, अगर आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट नहीं हैं तो आपको न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। और यहाँ से फिर से, क्योंकि आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया, आपका जो एनरोलमेंट नंबर है वो आप इसमें डालेंगे। एनरोलमेंट नंबर डालने के बाद वेरीफाई स्टूडेंट डिटेल में जाएंगे। ये करने के बाद यहाँ तक आपने देखा कि हम इग्नू से प्रमाण पत्र मंगाने के लिए कैसे फॉर्म भरेंगे और अपना विवरण कैसे सेव करेंगे। मेरी सीमा यहीं तक थी, अब इसके बाद आप इसके पेमेंट प्रोसेस में जाएंगे, उसमें लिंक आता जाएगा, आप पेमेंट करिए, अपना पता डालिए और फिर कुछ ही दिनों में आपके घर प्रमाण पत्र आ जाएगा। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, अगले सत्र में फिर कुछ और जानकारीप्रद जानकारी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए अगर सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, आगे बहुत काम आने वाला है।